अब सुनिए मेरी लिखी कहानी स्वाति के सपने का 14वां भाग। अनिमेश के रूम से जाने के बाद स्वाति ने नहाया और फिर कपड़े बदलकर खाने के लिए किचन में गई। अनिमेश वहां कुछ ढूंढ रहा था। कौन कॉल हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया, लेकिन 1.5 घंटे बाद एक और है तो सोचा खाना खा लेता हूँ। क्या ढूंढ रहे हो तुम? यार मैं पिछले हफ्ते अचार लाया था, दाल चावल के साथ मुझे अचार बहुत पसंद है, लेकिन मिल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, सपना ने मुझे मिर्च और आम का अचार दिया है, मैं अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। स्वाति जब तक अचार लेकर आई, अनिमेश ने माइक्रोवेव में दाल चावल गर्म कर लिया था। तुम लोगों ने तो यहाँ पूरी गृहस्थी जमाई हुई है, सब कुछ है तुम्हारे घर में। अनिमेश हल्के से मुस्कुरा दिया। दोनों अपनी अपनी प्लेट उठाकर ड्राइंग रूम में आ गए। खाना खाते खाते स्वाति कुछ सोच रही थी। अचार बहुत टेस्टी है यार, दोनों अचार की शीशी यहाँ टेबल पर रख देना तुम। स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या सोच रही हो? कुछ तो नहीं। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? किस बात का? लो रामायण खत्म हो गई और तुम पूछ रही हो राम कौन है। सब ठीक है ना? हाँ, अपने रूममेट को बिना बताए घर खाली करके आई हूँ। क्यों? स्वाति ने अनिमेश को फिर सारी बात बता दी। सपना ने ठीक ही कहा तुम्हें, सही किया, ज्यादा सोचो मत अब। उसका बार बार कॉल आता है यार, तो ब्लॉक कर दो। करेक्ट, मैंने सोचा ही नहीं था, अभी ब्लॉक करती हूँ उसे। पर अगर कभी वो सामने टकरा गई तो? गलत उसने किया है और डर तुम रही हो। डर नहीं रही, मुझे लड़ाई झगड़ा इस तरह के नेगेटिव इमोशंस नहीं पसंद। अनिमेश तुमने वो जॉब का बोला था ना, उसका पता करो ना प्लीज। हाँ मैं उसे अभी फोन कर देता हूँ और तुम आज ही जाकर उसे मिल लेना। ठीक है। अनिमेश ने एक कॉल किया। हाय धर्मेश, तुम्हारे पास आज मैं अपनी एक फ्रेंड स्वाति को भेजूंगा, वो जॉब के लिए तुमने बताया था ना। ओके ठीक है, बाय। क्या हुआ? सॉरी यार, 2 दिन पहले ही वहाँ किसी ने ज्वाइन कर लिया। ओह, हमारे देश में नौकरी एक होती है और उसे करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ ना। मुझे उसी दिन तुम्हें बात करने के लिए कह देना चाहिए था जब तुमने मुझे बताया था, गलती हो गई मुझसे। अरे इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई और जॉब मिल जाएगी तुम्हें। स्वाति ने बाकी का खाना चुपचाप ही खाया, कोई बात नहीं की। अनिमेश भी थोड़ी देर बाद अपना फ़ोन लेकर अपने कमरे में चला गया। खाना खाकर स्वाति अपने रूम में आ गई। अपना ध्यान हटाने के लिए स्वाति फ़ोन पर गेम खेलने लगी। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं बचा था, इसलिए वो जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढ लेना चाहती थी। लेकिन चाहने से क्या होता है? एक एक दिन करके पूरा 1 हफ्ता और बीत गया। इस बीच उसे 1-2 ऑडिशन पर और जाने का मौका मिला। ऑडिशन पर उसके कुछ दोस्त भी बन गए, जिनमें से एक का नाम था विजय। विजय उसे ऑडिशन के बारे में जानकारी देता रहता था। वो कई सीरियल्स में छोटे मोटे काम भी कर चुका था। अब उसका सपना था कि कोई बड़ा रोल करे, जिसके लिए वो बहुत मेहनत भी कर रहा था। आज हुए ऑडिशन के बाद विजय स्वाति को बैंड स्टैंड ले गया। वहाँ ज़्यादातर कपल्स बैठे थे और कुछ कपल्स तो अपने में इतना खोए थे कि उन्हें ये सुध-बुध ही नहीं थी कि वो खुली जगह में हैं या किसी बंद कमरे में। स्वाति को ये सब देखकर बड़ा अजीब लग रहा था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, लेकिन दूसरी तरफ का नज़ारा भी कुछ खास अलग नहीं था। चलो यहाँ से चलते हैं विजय। अरे थोड़ी देर तो बैठो यहाँ। विजय यार मेरा ऑडिशन तो अच्छा होता है, लेकिन कोई कॉल नहीं आता। तुम हताश मत हो, पता है मैंने मुंबई में 2 साल स्ट्रगल किया है। इस लाइन में उन्हीं का कुछ होता है जिनमें पैशन होता है। अमिताभ और शाहरुख ने भी क्या कोई कम स्ट्रगल किया है? इसलिए बस तुम मेहनत करती रहो, ब्रेक जरूर मिलेगा, निराश मत हो। सूरज ढल गया था, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। चलो अब निकलते हैं। ठीक है, कोई ऑडिशन होता है तो तुम्हें कॉल करूंगा। स्वाति जब घर पहुंची तो अनिमेश ड्राइंग रूम में ही अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। हाय, कैसा रहा ऑडिशन?
ऑडिशन तो ठीक होता है लेकिन कॉल ही नहीं आता। आज एक छोटे से रोल के लिए कॉल आया था लेकिन, तो फिर विजय ने मना कर दिया। उसने कहा एक बार छोटे रोल करने लगो तो लीड रोल मिलने में बहुत दिक्कत होती है। विजय कौन है? मेरा दोस्त है, वो भी लीड रोल के लिए ऑडिशन दे रहा है। ओके, फिर ठीक ही बोला होगा उसने, मुझे तुम्हारी फील्ड का कुछ ज़्यादा नहीं पता। चलो खाना खाते हैं। हाँ चलो, मैं चेंज कर कर आती हूँ अभी। रात का खाना अनिमेश और स्वाति अक्सर साथ ही खाते थे। स्वाति ने कपड़े चेंज करके खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। टीवी पर आनंद फिल्म आ रही थी। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है। मुझे भी, इसके गाने भी कितने अच्छे हैं। तुम्हारे फेवरेट सिंगर ने गाए हैं ज्यादातर इस फिल्म के गाने। हाँ जी पता है, लेकिन तुम्हें पता है कि पहले ऋषिकेश मुखर्जी आनंद फिल्म में किशोर कुमार को लेना चाहते थे। क्या बात कर रही हो, कुछ भी। अरे गूगल करके देख लो, भरोसा नहीं है तो। लेकिन किशोर की किसी बंगाली डायरेक्टर से लड़ाई हो गई थी और उन्होंने अपने दरबान को कहा था कि अगर कोई बंगाली डायरेक्टर आए तो उसे गेट से ही भगा देना। इसलिए जब ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म का ऑफर लेकर किशोर के घर गए तो उनके दरबार ने उन्हें वही बंगाली डायरेक्टर समझकर बाहर से ही भगा दिया। फिर क्या, ऋषिकेश ने गुस्से में किशोर कुमार को फिल्म से आउट किया और राजेश खन्ना की फिल्म में एंट्री हुई। किशोर ने पता चलने पर खूब गालियां दी होंगी ना अपने उस वॉचमैन को। अनिमेश की बात पर स्वाति ने भी हंसते हुए कहा, हाँ सच्ची। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। पूरा दिन घर पर अकेले रहने की वजह से स्वाति रोज शाम को अनिमेश के आने का बेचैनी से इंतजार करती थी। आज अनिमेश का कॉल आया कि उसे आने में थोड़ा लेट होगा, वो खाना खा ले। स्वाति उदास हो गई। पूरा दिन घर पर बैठे बैठे वो उकता जाती थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और वो कपड़े चेंज करके अकेले ही घूमने निकल गई। घर से बाहर निकलकर उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। मुंबई में मौसम कोई भी हो लेकिन शाम को हवा ठंडी चलती है और इस पुरवाई के साथ बहते बहते वो आज अपने घर से काफी दूर निकल आई थी। वो सड़क के किनारे बनी दुकानों के बोर्ड पढ़ते हुए बस चलते जा रही थी। तभी उसकी नजर एक कोचिंग क्लास के बोर्ड पर गई जहाँ एक टीचर की वैकेंसी थी। कोचिंग क्लास फर्स्ट फ्लोर पर था, वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। जी किसका एडमिशन कराना है आपको? एडमिशन नहीं कराना, वो बाहर वैकेंसी का बोर्ड लगा है ना। ओह अच्छा, आप बैठिए, राजीव सर अभी क्लास ले रहे हैं, फ्री होकर आपसे बात करेंगे। स्वाति रिसेप्शन पर बैठकर क्लास खत्म होने का इंतजार करने लगी। करीब 20 मिनट बाद क्लास खत्म हुई। बच्चों के बाहर जाने के बाद रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने फोन मिलाया और फिर स्वाति को अंदर जाने के लिए कहा। स्वाति अंदर गई, वहाँ एक लड़का हाथ में फिजिक्स की बुक पकड़े हुए था, चेहरे पर चश्मा लगा था। उसकी उम्र करीब 27-28 साल की होगी। स्वाति को देखकर उसने कहा, हाय स्वाति, कुछ अपने बारे में बताओ, तुम पढ़ाना क्यों चाहती हो और कितना पढ़ा है तुमने? मैं पहले भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो टीचर से कोई भी सवाल पूछने पर या कोई बात समझ में ना आने पर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि दोबारा उनसे पूछ सकूं। कभी लगता कि कहीं मेरा सवाल इतना मामूली ना हो कि दूसरे बच्चे पूछने पर हंसने लगें। इसलिए मैं इस बात का पूरा ख्याल रखती हूँ कि मुझसे पढ़ने वाले बच्चों में इस तरह का कोई डर ना हो। वो एक बार नहीं चार बार पूछे, तब तक पूछे जब तक उन्हें समझ में ना आए। हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। इसे समझते हुए मैं उसी तरह के एग्जाम्पल देकर उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। गुड एंड वेरी इम्प्रेसिव। मैंने MSc किया है मैथ्स में। बहुत बढ़िया। किस वक्त तुम पढ़ाने आ सकती हो और कौन कौन से सब्जेक्ट? 10वीं तक मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तुम 2 से 4 और 4 से 6 का बैच ले लो। सैलरी मैं तुम्हें क्लास के हिसाब से दूंगा, एक क्लास का 1,000 रुपये। ठीक है। स्वाति ने मन में हिसाब लगाया कि महीने के 20 क्लास भी लिए तो 20,000 हो जाएंगे। हाँ मुझे मंजूर है।
ओके, तो कल से आ जाओ, एक बैच में 25 बच्चे हैं, संभाल लोगी ना? हाँ बिल्कुल, डोंट वरी। ओके देन, ऑल द बेस्ट। अपना फोन नंबर मिली को दे देना। मिली रिसेप्शनिस्ट क्या? हाँ। ओके थैंक यू। आज स्वाति बहुत खुश थी, उसने सोचा भी नहीं था उसे 20,000 की जॉब मिल जाएगी। उसे रास्ते में आइसक्रीम की एक शॉप मिली। अनिमेश को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, उसने उसके पसंद की आइसक्रीम सीताफल पैक कराई और घर आ गई। अनिमेश को लेकिन आज घर आते आते 10:30 बज गए थे। हे, तुम अभी तक जाग रही हो? तो फिर क्या करूं, तुम्हारे साथ कुछ खाना है तो जागना ही पड़ेगा ना। ओ शिट, तुमने अभी तक नहीं खाया? मैंने तो तुम्हें बोला था ना कि मैंने मीटिंग में खा लिया है। अब आज और कुछ नहीं खा पाऊंगा मैं यार, सॉरी। कैसे नहीं खाओगे? जाओ चेंज कर कर आओ। आज बहुत खुश लग रही हो, बात क्या है? तुम जाओ और पहले चेंज करके आओ ना। अनिमेश चेंज करके बाहर आया। टैटड़े, आपकी खिदमत में पेश है आपकी फेवरेट आइसक्रीम। अरे वाह, क्या बात है, बता भी दो। मेरी जॉब लग गई है। अरे वाह, कहाँ? यही पास में एक कोचिंग क्लास है, कल से पढ़ाने भी जाना है। गुड यार, बट बेचारे बच्चे। ओए, तुम जानते नहीं हो मैं क्या कमाल पढ़ाती हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ बेचारे बच्चे। वापस करो मेरी आइसक्रीम, तुम बहुत बुरे हो। स्वाति अनिमेश के हाथ से आइसक्रीम की प्लेट लेने लगी। ओए, शेर के मुंह से उसका पसंदीदा खाना लेने की जरूरत मत करना। हाँ, बड़े आए शेर कहीं के, वापस करो मेरी आइसक्रीम। अनिमेश और स्वाति बच्चों के जैसे लड़ने लगे। टॉम और जेरी के जैसे दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। जब भागते भागते थक गए, फिर दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। मेरी पूरी आइसक्रीम मेल्ट करा दी तुमने, अब एक प्लेट और खानी पड़ेगी मुझे। गुड यार, तुम्हें काम मिल गया, लेकिन बस आइसक्रीम से नहीं चलेगा, पहली सैलरी आने पर इस बंदे पर खर्च करनी होगी। तो क्या पूरी सैलरी खर्च कराओगे? फिर क्या हक बनता है मेरा? एक प्लेट पानी पूरी खिला दूंगी बस। तुम साला लड़कियां कितनी कंजूस होती हो पार्टी देने के नाम पर। ठीक है बाबा, चलो तुम भी क्या याद करोगे, हम तुमको एक शानदार पार्टी देंगे। कब और कहाँ? कब का जवाब है सैलरी आने पर, और कहाँ का वक्त आने पर। क्या स्वाति की जिंदगी ऐसे ही खुशियों से भरी रहेगी, या आने वाला कल लेने वाला है कोई अलग करवट? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी लिखी कहानी स्वाति के सपने।